जर्नी प्रोग्राम में आप सभी बच्चों का स्वागत है। मेरा नाम आनंद पाल है। मैं आज तुम्हें गणित विषय में कुछ बातचीत करना चाहता हूँ। एक्सरसाइज है हमारे 3.4 क्वेश्चन नंबर 2 का चौथा भाग। इसकी स्टेटमेंट है, मीना 2000 रुपये निकालने के लिए बैंक गई। उसने खजांची से 50 रुपये तथा 100 रुपये के नोट देने को कहा। मीना ने कुल 25 रुपये प्राप्त किए। ज्ञात कीजिए कि उसने 50 रुपये के तथा 100 रुपये के कितने कितने नोट प्राप्त किए। माना 50 रुपये के नोटों की संख्या x तथा 100 रुपये के नोटों की संख्या y। प्रश्नानुसार हल करेंगे। x प्लस y बराबर कितने नोट थे कुल 25। समीकरण नंबर 1, 50x प्लस 10y बराबर 2000। इसको दोनों ओर 50 से भाग करने पर, तो क्या 50 से 50 से कम 50x प्लस 50 × 100 2y बराबर, इसको भाग किया 40। x प्लस 2y बराबर 40। समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 हमारे पास है x प्लस y बराबर 25 एक और x प्लस 2y बराबर 40। समीकरण नंबर 2 घटाने पर, घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर माइनस के 2y, ये प्लस का, तो क्या हो जाएगा माइनस का y बराबर माइनस के 15। माइनस माइनस क्या होगा, यहाँ पर प्लस, y बराबर 15। समीकरण 1 में y का मान रखने पर, समीकरण 1 है x प्लस y बराबर 25, x प्लस y का मान था 15 बराबर 25, x बराबर 25 माइनस 15, 25 में से 15 गए कितने बचेंगे 10, x का मान है 10 और y का मान है यहाँ पर 15। 50 रुपये के नोटों की संख्या 10 रुपये, 10 तथा 100 रुपये के नोटों की संख्या 15, यह आंसर है। आशा करता हूँ कि यूट्यूब के ई लर्निंग प्रोग्राम में गणित विषय अच्छी तरह से समझ आ गया होगा।